हेलो फ्रेंड्स, मीना बुक्स में आपका स्वागत है। मैंगो का बहुत अच्छा सीजन चल रहा है और बहुत अच्छे मैंगो मार्केट में मिल रहे हैं। इस सीज़न में हम बहुत सारी चीज़ें मैंगो से बनाते हैं। मैंगो लस्सी बनाते हैं, मैंगो आइसक्रीम बनाते हैं, मैंगो मिल्क शेक बनाते हैं, पर आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो कुल्फ़ी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं मैंगो कुल्फ़ी। ये 1/2 लीटर हमने फुल फैट मिल्क लिया है, जिसे हमने उबलने के लिए रखा है। इसमें हम ये 3 टेबलस्पून हमने शक्कर ली है, ये इसमें ऐड कर देते हैं। ये हमने 1 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर लिया है, वैनिला कस्टर्ड पाउडर लिया है। इसमें हम थोड़ा सा दूध डाल के इसका पेस्ट बना लेते हैं। ये हमने 1 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर में थोड़ा सा दूध मिला के उसका ऐसा स्लरी बना लिया है। नीचे दूध हमारा उबल रहा है, इसमें अभी हम इसे ऐड करेंगे। दूध के उबलने के बाद ही हम इसे ऐड करेंगे। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके हम इसे इसमें ऐड करेंगे। और इसे हम 3-4 मिनट के लिए उबलने देंगे। इसे हमने 3-4 मिनट के लिए अच्छे से उबाल लिया है। अभी हम गैस का फ्लेम ऑफ कर लेते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। जब तक ये ठंडा हो रहा है, हम मैंगो लेंगे और उनका छिलका निकाल के उनकी पेस्ट बना के लेंगे। ये जो हमने दूध में कस्टर्ड पाउडर डाल के बनाया था, वो ठंडा हो चुका है। ये हम बड़े बर्तन में अभी निकाल लेते हैं। इसमें ही हमने शक्कर डाली थी। ये मैंने 3 छोटे साइज के अल्फांसो मैंगो लेके उनका ऐसा पल्प बना लिया है। इसमें भी मैंने 2 टेबलस्पून शक्कर ऐड किया है। आप अपनी चॉइस के अनुसार शक्कर डालिए। अगर आपके मैंगो बहुत मीठे हैं तो शक्कर डालने की ज़रूरत नहीं। तो ये मैं अभी इसमें ऐड कर देती हूँ। ये मेरे छोटे साइज़ के थे, इसलिए मैंने 3 लिए हैं। आपके बड़े साइज़ के तो 2 ही काफ़ी है। मैंने ये 3 टेबलस्पून घर की मलाई यूज़ की है। आप अमूल का फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हो। तो ये मैं इसमें डाल लेती हूँ। इससे हमारी भी कुल्फी बहुत ही क्रीमी और अच्छी बनेगी। थोड़ा सा मैं इसे अभी चम्मच से मिक्स करके अच्छे से बीट कर लेती हूँ, ताकि हमारे कुल्फी का टेक्सचर बहुत ही अच्छा आए। ये देखते हैं, इससे मैं अभी इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम इसे कुल्फी के मोल्ड में डाल देते हैं। अभी ये ड्राई फ्रूट्स हम इसमें मिक्स करेंगे। इसमें मैंने पिस्ता और बादाम लिया है। आप आपकी चॉइस के अनुसार जो आपको पसंद है वो ड्राई फ्रूट्स इसमें डालेंगे, और नहीं भी डालें तो भी चलेगा। इसमें और एक चीज़ है, आपको इलायची पाउडर का फ्लेवर अच्छा लगता है तो आप इसमें ऐड कर सकते हो, पर मैं प्योर मैंगो फ्लेवर का ही पसंद करती हूँ, इसलिए इसमें वो नहीं डाला है। तो अभी कुल्फी के मोल्ड हम भर लेंगे। ये देखिए, हम ऐसे ही सभी मोल्ड भर लेते हैं। इस तरह से सभी मोल्ड को हमने भर लिया है। अभी इसको हम ढक्कन नहीं लगाएंगे, इसके ऊपर हम फॉइल लगाएंगे। इस तरह से अच्छे से फॉइल से हम इसे कवर कर लेंगे और ऊपर से इसे रबर लगा लेंगे। इस तरह से हम इसमें ये स्टिक डाल देंगे, ताकि हमारी कुल्फी सेटल होने के बाद हम इसे अच्छे से पकड़ सकें। 4-5 घंटे के जर में रखेंगे इसको,
ये 7-8 घंटे के लिए है। कुल्फी को हमने जमने के लिए रखा था। हमारी कुल्फी बन के तैयार हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, पहले हम इसे ऐसे थोड़ा सा पानी में, सादे पानी में 30-40 सेकंड के लिए ऐसे इसमें डीप करेंगे और इसे निकालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी कुल्फी कितनी अच्छी बनी है। इसके ऊपर हम ये थोड़े से पिस्ता डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी कुल्फी बहुत ही अच्छी बनी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, उससे मेरी रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं किसी नए और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।